हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग टॉक्स। लर्निंग टॉक्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखने वाले हैं कि लैडल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये लैडल है। कई बार हमको लैडल का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लैडल का वॉल्यूम आखिर कैसे निकाले। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लैडल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और फिर उसके बाद में हम लैडल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं और वो कौन सा फॉर्मूला है जिससे कि लैडल का वॉल्यूम निकलता है। चलिए आगे देखते हैं। तो लैडल का वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमको चाहिए लैडल के टॉप का डायमीटर कितना है। ये जो डायमीटर है हम एमएम में लेंगे। लैडल का बॉटम का डायमीटर कितना है, लैडल की हाइट कितनी है, और लिक्विड मेटल का डेंसिटी कितना है। अब यहाँ पे हम जो लैडल का वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये लाइनिंग के बाद जो अंदर के डायमेंशन है हमको वो लेना है कि लाइनिंग करने के बाद में अंदर के जो डायमेंशंस आ रहे हैं वो कितने हैं और उसके अंदर में कितना मेटल आएगा, ये उसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। अगर आपके पास लाइनिंग नहीं है लैडल के अंदर में, तो आप जब वॉल्यूम निकालोगे तो वो पूरे लैडल का वॉल्यूम निकलेगा सेम इसी फॉर्मूले से। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से हम आगे। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि लैडल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको कुछ बेसिक्स डेटा चाहिए रहते हैं, जैसे कि लैडल का टॉप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैडल का टॉप कितना है, हमको यहाँ पे मीटर में लिखना है कितना है, लैडल का बॉटम कितना है, लैडल का हाइट कितना है, और मेटल का डेंसिटी जो है वो आपको 6900 ही कंसिडर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैडल का वॉल्यूम अभी 0.00 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम जैसे ही ये सारे ट्रीट करेंगे तो ये लैडल का वॉल्यूम अपने आप दिखाने लगेगा। लैडल का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज़ करना है वो फॉर्मूला है V=V, जो है यहाँ पे वो वॉल्यूम को डिनोट कर रहा है। V=π×D×H और ब्रैकेट के अंदर में A×A+A×B+B×B, और डिवाइड किया है इसको हमने 12000 से। इसमें पाई की वैल्यू जो है वो 3.14 रहेगी। यहाँ पे हमने लिखी हुई है पाई की वैल्यू 3.14। डी जो है वो मेटल का डेंसिटी है, यहाँ पे डेंसिटी लिया गया है, यहाँ पे 6900, इसको डायरेक्ट रखना है 6900। एच जो है वो पूरा हाइट है लैडल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो मेरा एरो है इस पॉइंट से लेके ये बॉटम की जो हाइट आएगी ये टोटल हाइट रहेगी यहाँ पे। ए जो है वो लैडल का टॉप है, टॉप का जो डाया रहेगा। आप देख सकते हैं जैसे लैडल का जो टॉप में आप देखोगे कभी भी लैडल को, तो इस तरीके का एक सर्कुलर देखेगा, उसमें ये जो सेंटर से लेके उसके दूसरे एंड तक जो दूरी रहेगी ये इसका डायमीटर हुआ। तो यही जो डायमीटर है ये लैडल के टॉप के ऊपर में जो रहेगा डायमीटर, उसको हमने यहाँ पे ए से डिनोट किया हुआ है, और यही डायमीटर जो बॉटम में रहेगा उसको हम बी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज जब हम फॉर्मूले में डालेंगे और इस फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली हमको लैडल का वॉल्यूम मिल जाएगा। अब इस केस में ये अगर आपको ऐसे कैलकुलेटर अगर यूज़ करना है यहाँ पे, तो मैंने कि इसको बनाया हुआ है जिसके अंदर की है कि लैडल जैसा एक शेप आपको सामने दिख रहा है, इसके ये जो नीचे दो लेग भी है और ये इसके ट्यूनियन भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है इसमें, ये जहाँ पे लैडल का टॉप बना हुआ है ये जो येलो कलर से यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, टॉप का डाया जो है वो डालना है। तो मान लीजिए कि तकरीबन इसका टॉप का डाया जो है वो अप्रोक्स 1400 के आसपास है, तो हमने यहाँ पे 1400 लिखना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1 मीटर में कन्वर्ट होकर 1.4 ऑटोमेटिकली आ गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में उसका बॉटम का डाया जो है वो ऑब्वियसली उससे छोटा रहेगा, क्योंकि ये टेपर्ड शेप में हो, एक टेपर्ड शेप में लैडल अपना बना हुआ रहता है जिसमें टॉप का डाया ज़्यादा होता है बॉटम से, तो बॉटम का डाया थोड़ा कम रहेगा इससे। तो मान लीजिए कि तकरीबन ये 1200 के आसपास में है, मान लीजिए 200 mm कम है, ये थोड़ा सा और इसमें वेरिएशन हो सकता है। लेट अस सपोज़ कि अब ये 1200 है, तो 1200 के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें कि ये 1.2 ऑटोमेटिकली आ गया है। ये 1.2 मतलब अपने को अभी ए की वैल्यू मिल गई है, बी की वैल्यू मिल गई है, अब अपने को चाहिए लैडल का हाइट। तो लैडल का हाइट के लिए यहाँ पे एक जीरो करके ये लिखा हुआ है। अब हम इसमें जैसे ही ये लैडल की हाइट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि यहाँ पे लैडल का वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। अब मान के चलते हैं कि लैडल का हाइट जो है वो 1500 के आसपास में है, मान लीजिए चलो इसको 1550 ले लेते हूँ मैं। इसको मैंने जैसे ही इंटर किया तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 14.22 तकरीबन इतना जो है वो लैडल का पूरा वॉल्यूम हो जाएगा। ये जो वॉल्यूम हमने निकाला है ये लैडल का लाइनिंग होने के बाद में जो अंदर के जो डायमेंशन है ये उसके हिसाब से है। इसके अंदर में हमने लैडल के अंदर में लैडल की जो लाइनिंग होती है ब्रिक्स की, उसको कंसीडर नहीं किया है।
अब इसके अलावा और भी ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मान लीजिए कि खाली लेडल है तो उसका वॉल्यूम कैसा रहेगा, तो खाली लेडल है तो उसके लिए ये जो डायमीटर है वो खाली लेडल के हिसाब से हो जाएगा, हेड जो है वो खाली लेडल के हिसाब से रहेगी, उसका बॉटम का डाया भी जो है वो खाली लेडल के हिसाब से रहेगा, तो वो पूरे का वॉल्यूम निकल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कई बार कि रेमिंग मास कितना लेना है हमको, उसकी थिकनेस कितनी रखना है लाइनिंग की, ब्रिक्स के साइज़ क्या रखना है, तो उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो फिर से एक बना के लेके आऊँगा। लेकिन तब तक के लिए आप ये जो एक कैलकुलेटर जैसा बना हुआ है लेडल का वॉल्यूम निकालने के लिए कि एक लेडल के अंदर में कितना मेटल आ सकता है मैक्सिमम, कई बार ये वॉल्यूम हमको फर्मा के साइज़ के हिसाब से भी यूज़फुल रहता है। लेटर सपोज कि एक आपको फर्मा का साइज़ बनाना है लेकिन आपको नहीं पता कि 12 टन का अगर लेडल, 12 टन का अगर फर्मा बनाना है आपको, या 10 टन का अगर फर्मा बनाना है जिसमें 10 टन माल आ जाए, तो उसके लिए डायमेंशन क्या रखना है, तो आपके पास में कुछ मोटा मोटी कुछ डायमेंशन अगर है तो एग्जैक्ट अगर आपको पता करना है कि इतने इंची का है तो इंच को एमएम में कन्वर्ट करके, या फिर इतने सेंटीमीटर का है या फिर इतने मीटर का है तो उसको एमएम में कन्वर्ट करके डायरेक्टली आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं। और जैसे ही आप ये यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, जैसे मान लीजिए कि ये 1400, एक बार फिर से मैं वैल्यू डाल के दिखा देता हूँ आपको, इसको आप 1450 कर दीजिए, मान लीजिए 1450 है ये, यहाँ पे 1200 ना होते हुए मान लीजिए कि आपके केस में ये 1150 है और लेडल का हाइट जो है वो 1400 के आसपास में है, मान लीजिए ऐसा कोई सा एक लेडल है, तो आप देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम तकरीबन 12.88, मतलब वो 13 टन का हो गया उसका वॉल्यूम। तो आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, तो इसे आप अपने पास रख सकते हैं। इसे अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर में एक लिंक दी हुई है जहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, और अपने मोबाइल में अपने ऐप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। जब भी आप इसको खोलोगे मोबाइल के अंदर में, तो यहाँ पर आपको ये तीन वैल्यूज़ डालना है, जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है ये ए है, जो नीचे वाली वैल्यू है वो बी है, और ये जो साइड में वाली वैल्यू है ये एच है। आपको बस तीन वैल्यू डालना है, जैसे ही आप ये तीन वैल्यूज़ डालोगे आपके पास लेडल का वॉल्यूम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा। सो गुड बाय दोस्त, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप अगला वीडियो टंडिश के वॉल्यूम का आने वाला है, तो आप प्लीज़ चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ भी आपको मिलते रहे। थैंक यू, बाय बाय।